क्वेश्चन और फटाफट लेते हैं। गुलशन धींगरा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुलशन साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। जी हाँ जी सर, मैं एक तो दीपक फर्टिलाइजर है, हाँ वो मेरे पास 20 स्टॉक हैं 722 के रेट पे। ओके। और एक है डिक्सन टेक्नोलॉजी, हाँ एट द रेट 3303 पे। अरे दीपक तो बहुत नीचे गावा सर, दीपक तो काफ़ी नीचे आ गया, 722 का भाव है इनका और इस समय काफ़ी नीचे है 548 पे। क्या करें दीपक फर्टिलाइजर में? अभी वीक है, इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती और भी गिरावट देखेंगे दीपक में, कहाँ जाकर रुकेगा कहना मुश्किल है, लेकिन यस अब भी वीकनेस है। तो मैं कहूँगा दीपक से उनको ये जो जो ऑल टाइम लो है उसके आसपास के आज चल रहा है, 52 वीक लो के आसपास चल रहा है, तो वीक अब इनको तय करना पड़ेगा क्या करना है, लेकिन स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। तो एक बार डिक्सन की, डिक्सन एक साइडवेज जोन पर है, शायद एक अपमूव मिले, लेकिन पूरा मार्केट डाउन, लेकिन जब 3000 पार कर लेगा तो डिक्सन में एक अपमूव मिलेगा, लेकिन यहाँ डिक्सन में भी वीकनेस है। जो रिसेंट मूव हमने देखा है लोअर लेवल से 2600 से 3000 तक, ये भी मूव में रिएक्शन नजर आता है, रिएक्टिव अपमूव, ऊपर गया है नीचे आने के लिए, तो इस अपमूव में भी वीकनेस है डिक्सन। ओके, तो ये राय डिक्सन में और दीपक फर्टिलाइजर पे है। कमा सर रुकिएगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। सरकार जो है फाइनेंस बिल में बदलाव के जरिए डेट म्यूचुअल फंड में जो इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलता था उसको खत्म करने की तैयारी कर रही है, यानी 1 अप्रैल के बाद नए वित्त वर्ष से ये सुविधा खत्म हो जाएगी। क्या असर पड़ेगा इसका, क्यों करना चाहती सरकार, आगे क्या दिक्कत आ सकती है या क्या बेनिफिट होगा, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं कंप्लीट सर्कल के CIO गुरमीत चड्ढा। गुरमीत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।